वैसे तो हम फ्रोजन कुछ खाते नहीं है, पर आज तो ये बहुत पूछिए पर जी बड़े अट्रैक्टर नेमत। सो जो चने की दाल है ना वो बहुत अच्छी। दोस्तों मैंने ना इडली सांभर बनाया था 2 दिन पहले बहुत। हैप्पी दिवाली, प्रणव स्टे अवे फ्रॉम मी। गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों, कैसे हाल चाल है? उम्मीद है कि आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। आज दिवाली है एंड आज मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ एंड आज मैंने सोचा है कि व्लॉग बनाते हैं। सुबह उठ के ना आके तो हो गए, मेडिटेट भी कर लिया है मैंने, अब 10:30 हुए हैं एंड मुझे थोड़ा सा ग्रॉसरी शॉपिंग के लिए जाना है, कोई कोई चीज़ें चाहिए मुझे। आज मैं ना बहुत ज़्यादा कोई ओवर द टॉप डिनर नहीं बनाने वाली हूँ, सिर्फ दाल बनाऊँगी, दाल मखनी एंड क्या बोलते हैं राम लड्डू बनाने थे मुझे एंड उसका भी मैंने प्रेपरेशन अर्लियर कर ली थी और कल हमने बना भी लिए थे, थोड़े खा भी लिए थे क्योंकि फिर मेरा ना काम थोड़ा कम हो जाता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। आने के बाद ना मैं लिविंग स्पेस को एंड किचन को थोड़ा सा क्लीन करने वाली हूँ एंड उसके बाद मैं दाल भी कुक कर लूँगी क्योंकि आज हैलोवीन भी है एंड हिम्मत को जाना है एंड फिर जब मैं कुक करूँगी एंड बहुत सारे लोग ट्रिक और ट्रीटिंग के लिए आएंगे तो फिर बहुत ज़्यादा काचमाचा हो जाएगा। तो इसलिए मैं दाल भी अर्लियर ही कुक कर लूँगी एंड दाल के साथ मैं राइस ही बनाने वाली हूँ। वैसे तो हम फ्रोजन कुछ खाते नहीं है पर आज मैंने हमने ना लास्ट टाइम एक साउथ इंडियन स्टाइल का केरला स्टाइल का परोठा बोलते हैं वो ट्राई किया था। वो ना कच्चा होता है और उसको आपको खुद कुक करना है, बहुत अच्छा बनता है। मेरा प्लान है कि आज हम वो बना लेंगे एंड या और मैं ना कल लाइट्स भी हमने कल ही लगा ली थी एंड अहमद की हैलोवीन है और वो ट्रिक और ट्रीटिंग जाएगा, वो अब हमारे नेबर दोस्त के साथ ही जाने वाला है तो वो दोनों को हम लोग 5 बजे भेज देंगे ताकि 1-1.5 घंटे के बाद हम प्रेयर्स कर लेंगे एंड दिवाली सेलिब्रेट करेंगे लेटर। अहमद की कॉस्ट्यूम के लिए बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ थे एंड मेरे पास एक बहुत ही प्यारा सा ग्रीन वेलवेट का कपड़ा था एंड मैंने हिम्मत को कहा कि ठंड है तो तुम ऐसा कुछ पहनो जो केप हो जिसमें। सो एक उसने विलन चूज़ किया है, डूम बॉट आई थिंक उसका नाम है, सो वो मैंने कल बना दिया था उसके लिए सिंपल सा केप एंड उसे अच्छा लगा। मैं आपको दिखाऊंगी जब वो रात को तैयार होगा कि वो कैसा बना था एंड या दिवाली की सफाई के लिए इस बार मैंने क्या किया है। वैसे तो मेरा घर बहुत ज़्यादा क्लीन रहता है क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा सफाई करती हूँ, बट इस बार मैंने क्या किया था, जहाँ पे भी मेरे घर में मार्क थे, हमारे पास ऑलरेडी पेंट था वाइट, सो सारे घर को मैंने पेंट कर दिया था, मतलब स्पॉट कंसीलिंग की घर की एंड या घर बहुत क्लीन लगना शुरू हो गया था। सो या थोड़ा सा ग्रॉसरी शॉपिंग करने के लिए जाते हैं एंड उसके बाद आएंगे एंड देन मैं इस एरिया को थोड़ा ब्रूम एंड मॉप करूँगी ताकि ये भी चमकदार लगना शुरू हो जाए। बहुत कम काम है आज मेरे पास, मैं ज़्यादा कुछ नहीं करूँगी, स्लो एंड स्टडी करेंगे। एंड एक और बात बताना चाहती हूँ कि जो दिवाली का त्यौहार है उसमें मेडिटेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है, प्रेयर करना भी, क्योंकि इस दिन दिवाली वो वाली रात है, एक तो अमावस्या की रात होती है, ये बहुत स्पेशल होती है ध्यान करने के लिए। इस दिन जो भगवान के पोर्टल्स हैं वो खुलते हैं, सो इस दिन आपको ज़रूर से मेडिटेट करना चाहिए। ये व्लॉग पता नहीं कब जाएगा पर मैं आज आपको अपने इंस्टाग्राम की स्टोरी में भी गाइड करने वाली हूँ कि आज ज़रूर से मेडिटेट करना, क्योंकि जो लोग बिगनर हैं एंड आज मेडिटेट करेंगे और उनका अगर उन्हें अच्छा लगा, मज़ा आया एंड उनका ध्यान लगा तो फिर वो कंटिन्यू करेंगे। सो आज का वो वाला दिन है जो बहुत स्पेशल है, आपको ज़रूर से मेडिटेट करना चाहिए। सो दैट्स आ इन्फॉर्मेशन अबाउट मेडिटेशन एंड एंड जारी रखते हैं, आपको साथ लेके चल रही हूँ मैं ग्रॉसरी शॉपिंग के लिए भी, मुझे
चार पांच चीजें ही चाहिए। हस्बैंड पूछ लेते हैं, अगर उनका काम खत्म हो गया तो वो भी आ सकते हैं। तो या इसी तरह हमारा दिवाली का व्लॉग होता है शुरू। इंडियन दुकान से लाड़ा बनवाने को मन रहा है हस्बैंड। तो ये बहु पूछिए पर जी बड़े अट्रैक्टर ने मैं थोड़ा सा बुलाया सारा कुछ छाड़ के पूछिए बड़ा जगराती टमाटा जगराती से एक्स्ट्रा थोड़ा दिलाना वापस आ दो चुप कर गए। सो हम लोग आ गए ग्रॉसरी करके वापस एंड मैं क्लीनिंग करना चाहती हूँ जैसे मैंने पहले बताया था, बट उससे पहले मैं सोच रही हूँ कि दाल को मैं कुक होने के लिए रख दूँ, पर ये ना गैस स्टोव के नीचे जो मैं फॉइल बिछाती हूँ वो भी गंदा है, उसे भी मैं चेंज करना चाहती हूँ। सो सबसे पहला मेरा टास्क है कि फ्लोर थोड़ा अच्छा चमकदार लगे, बाकी सारा कुछ तो अच्छा है, क्लीनिंग है, बट स्टिल नॉट वेरी हैप्पी द वे माई हाउस इज़ लुकिंग राइट नाउ। हस्बैंड को मैं लेके जाती हूँ इसलिए क्योंकि मुझे लगता है कि या फन होगा, पर वो बहुत ज़्यादा स्लो हैं शॉपिंग करने के लिए, हर एक जगह पर रुक के चीज़ें देखते रहते हैं, पता नहीं क्या करते हैं वो। सो उनकी वजह से मैं लेट हो जाती हूँ। सो दाल को कुक होने के लिए रख देते हैं सबसे पहले, बिकॉज़ मैंने दाल को रात को भिगोया था तो ये जल्दी कुक हो जाएगी एंड इसका स्वाद बहुत अच्छा आएगा। इसको अच्छी तरह वॉश करते हुए, क्लीन करते हुए हम इसे प्रेशर कुकर में डाल देंगे। हिम्मत के फ्रेंड को भी दाल बहुत पसंद है तो थोड़ी दाल मैं कोशिश करूँगी कि उनको भी दे दूँ डिनर के लिए। सो दाल में मैंने क्या डाला है, चने की दाल है, माँ की दाल है साबुत एंड राजमा है। सो जो चने की दाल है ना वो बहुत अच्छी बेस बना देती है, वो गाढ़ा बना देती है दाल को एंड बहुत अच्छी स्मूथ दाल बनती है। सो जो दाल मैं बॉयल होने के लिए रखती हूँ ना उस पर मैं सिर्फ ऐड करती हूँ काली मिर्च क्योंकि वो बहुत अच्छा फ्लेवर देती है ब्लैक दाल में, नमक एंड ऑल्सो थोड़ा सा ऑयल क्योंकि दाल थोड़ी कली कली सी बने। आई डोंट नो इसका क्या लॉजिक है पर मुझे लगता है ऑयल ऐड करने से थोड़ा सा डिफरेंस ज़रूर आता है। इसको हम बंद करेंगे एंड काली मिर्च मैं फ्रेश ग्राइंड करके डालूंगी क्योंकि उसका फ्लेवर ही कुछ अच्छा बनेगा। आई डोंट नो इफ यू गाइस कैन सी मी और नॉट। सो फ्रेश ग्राइंड करके ऐड करेंगे काली मिर्च। सो दैट्स दैट। काली मिर्च आपके के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्दी इन्ग्रीडियंट है, ज़रूर से काली मिर्च को अपनी ज़िंदगी में ऐड करें। इसको अच्छी स्पीड में थोड़ा सा कुक कर लेते हैं, एक दो सीटियाँ बजेंगी तो फिर स्लो कुक कर लेंगे। मांग की दाल है इसमें बहुत ज़्यादा समय जाएगा। सो क्लीनिंग का प्रोसेस शुरू करते हैं। सो क्लीनिंग की वीडियो मैं नहीं बनाने वाली हूँ, जल्दी से मैं क्लीन कर लूँगी एंड बालों की हालत दिखाऊँगा आपको। तो यह बाल कुछ इस तरह के लग रहे हैं, इनको थोड़ी देर में स्टाइल करेंगे हम लोग। सो सफाई कर लेती हूँ मैं। सफाई का काम कहाँ से शुरू करें? सबसे पहले मैं फ्लोर को चमकाऊँगी ना, तब फिर मैं चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करूँगी क्योंकि जब फ्लोर चमक जाता है तो फिर सारा कुछ अच्छा हो जाता है। सो शुरुआत बाहर से करते हैं या इस एरिया से कर लेते हैं। कल एक्चुअली लाइट्स भी निकाल के लगाई थी ना तो बहुत गंदे फ्लोर पे। ओके दोस्तों दाल तैयार है, पर हिम्मत के आने से पहले मैंने उसे कुछ और खिला दिया था एंड नाउ मेरा प्लान बन गया है कि हम लोग खाना अभी खा लेते हैं क्योंकि हमने सुबह से कुछ खाया नहीं है। सो आज डिनर दी बजाय हो जाएगा स्पेशल लंच। सो मैं बनाने वाली हूँ लड्डू, पर इस बैच में से पहले फ्रेश बाबा जी के लिए कटेंगे हम लोग क्योंकि ही लाइक्स इट एंड उसके बाद खाएँगे। एंड हस्बैंड मेरी मदद करने वाले हैं थोड़ी सी, की करते हैं मूली बनाने में, वह तो हिलते नहीं हो बट यहाँ आगे फिलहाल। सो आज हम लोग खाना खाएंगे इसी कंडीशन में, तैयार मैं बाद में होने वाली हूँ। दोस्तों मैंने ना इडली सांभर बनाया था दो दिन पहले बहु, हाँ तो उसकी ये चटनियाँ बनाई थी मैं। आपको पता है मैं परफेक्शनिस्ट हूँ तो सारा कुछ परफेक्शन, टमाटर ते नारियल दी चटनी और मैंने ये लड्डू के लिए
मिर्च वाली धनिया पुदीने वाली चटनी और ये लड्डू है मूली है और हस्बैंड अपनी वडिया ऑनट्रे खाऊंगा। ये तो जस्ट एक ते मैं हिंदुस्तान दे झंडे नु मैं थोड़ा या देखना मान देता मान okay. रखा तो मैं कोई जेडी कमी पेशी है तनु मैं अपफ्रंट दसूंगा कि कुड़िए इत्थे तो पछाण रही इत्थे तनु काम करन दी लोड़ है ओके हो रहा ना ते फिर दे दो थोड़े रिव्यूज वडिया स्वाद बने या नहीं स्वाद स्वाद बने या तेरा मुंह को जोर गांड है जबान को जोर गांड है अखा को जोर बंदा बैठा रहा इथे बंदा ये कमीने को दूजे कि लाया उना नु पूछ ले खवा उना नु गाइस है ना बंदा ने सही है और पानी चे गाइस कल मैंने ना खट्टा मीठा पानी बनाया था जैसे गोलगप्पे का पानी होता है ना ऐसे कि इसमें भिगो के अच्छे बने थे अभी पति को देते हैं लेट्स ट्राई पति ने ना लड़ाई करके रिव्यू लेने पड़ते हैं पर पता नहीं हजे भी रिव्यू झूठे झूठे क्यों लग रहे हैं मुझे इन्हों ना थोड़ा मिक्स करना बना थोड़े को चम्मच नहीं है मिक्स कर लो हेलोवीन ट्रिक और ट्रीटिंग कर रहा है और बहुत सारे बच्चे आ रहे हैं अभी मैं तैयार नहीं हुई हूँ थोड़ी देर में मैं तैयार होने वाली हूँ एक्चुअली तैयार हूँ मैंने कपड़े चेंज करने हैं एंड खाना तो हमने लंच समय में बना लिया था सो दैट्स अ गुड प्लस पॉइंट एंड या इट्स वेरी एक्साइटिंग और कुछ बच्चे इतने क्यूट लग रहे हैं ना इतने प्यारे प्यारे कपड़े पहने ना कुछ बच्चे रामेन नूडल्स बने हैं कुछ टिक टैक बने हैं बहुत प्यारे हैं अभी ना दो इंडियन ट्विंस गर्ल्स आई बड़ी प्यारी थी हस्बैंड को दिखाने वाली थी पर वो चली गई ट्रिक और ट्रीट लेके जल्दी से समय नहीं वेस्ट करते हैं बच्चे कह रहे कि हमें पूरा ज़्यादा से ज़्यादा कवर करना है ज़्यादा से ज़्यादा कैंडीज लेके जाएं लेके आएं घर छोड़े पर पर के ओके सो हिम्मत आ गया ट्रिक और ट्रीट करके इतनी कैंडीज लेके आया वो निकाल रहा है जो उसे गिव अवे करनी है एंड जो नहीं करनी है सो या छांटी करन दिया वो बेचारा एंड हस्बैंड आई मीन ओडी हेल्प करन दे अनवांटेड और मैंने मेरा आउटफिट पहन लिया है यस सो मैंने अपना आउटफिट चेंज कर लिया है साड़ी पहनी मैंने आज पहली बार हे गाइस सो इट्स लाइक 8:30 And I got like a couple of these bars. Like, how about I just say I got 5 of these king size bars? And yeah, and it's Diwali, so we're gonna do full cheery. It's my mom got the extra long one. They're like this big. Thank you, mom. I'm about to have dinner right now. So, capiche.
सो हिम्मत का दोस्त आ गया है एंड वो कर रहे हैं पटाखे. सो देयर दे आर. Your dance. Beer. Happy Diwali, Raga. Happy Diwali. बच्चों का फुलचड़ी अंकल्ले चलाना बिल्कुल सेफ नहीं है. बिल्कुल नहीं सुनते हैं कि क्या करना है क्या नहीं. बहुत ही डेंजरस तरीके से घुमा रहे हैं तो हस्बैंड उनको देख रहे हैं एंड एक कद्दी और जलाएंगे और वापस ले आएंगे क्योंकि बेटर सेफ देन सॉरी राइट. सो यहाँ मेरी दाल अभी गर्म नहीं हुई है. ठंडा बार फ्रीजिंग. मम्मी नहीं तो ये सेफ नहीं करन दे जो भी है. ओके साड़ी पहन के काम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है पर यार मैं ना कट्ठी करके बन गई हूँ इन्ना व्हाट डू यू कॉल इट. सो पूरन बोली आई है हमारे घर हमारे नेबर के घर से. मुझे ये बहुत अच्छी लगती थी. लेट्स सी बहुत समय के बाद खाने वाली हूँ मैं ये. ऑलराइट प्यारे दोस्तों तो आज के ब्लॉग के साथ बस इतना ही. उम्मीद करती हूँ आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा. अगर आप मुझसे कुछ खास देखना चाहते हैं तो उसका आप कमेंट बार में कमेंट छोड़ सकते हैं और अगर आप मुझसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो उसका कमेंट भी छोड़ सकते हैं. एंड अगर आपको कमेंट नहीं करना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं. मुझे आप लोगों के मैसेज पढ़ना और आपसे बातचीत करना बहुत अच्छा लगता है. सो ज़रूर से ये काम करें. मैं आपको जल्दी मिलती हूँ नए व्लॉग में. अगर आपके पास कोई रिक्वेस्ट है बता देना. एंड आई लव यू गाइस सो वेरी मच एंड आई होप कि आपकी दिवाली बहुत बहुत अच्छी गई होगी. एंड मैं प्रेयर करूँगी कि आपको जो भी ज़िंदगी में चाहिए अच्छा वाला वो आपको ज़रूर से मिले. आपको बहुत हैप्पी फुलफिलिंग सी लाइफ जीने के लिए मिले एंड आपको भगवान अपने साथ जोड़े. सो या आप साधना ज़रूर से करें. किसी किस्म का भी ध्यान किसी किस्म की भी स्पिरिचुअल पाथ पे आप ज़रूर से आए ये मैं दुआ करती हूँ. आई लव यू गाइस सो वेरी मच. अपना ख्याल रखें एंड बिल्कुल मत भूलें आप बहुत प्यारे हैं जैसे भी हैं. आप इस दुनिया में कुछ भी कर सकते हैं. ऑल यू हैव टू डू इज थिंक अबाउट इट एंड टेक एक्शन. ईजी मीजी लव इज क्विजी. आई लव यू गाइस सो वेरी मच. बाय बाय लालू.